अगर आपको भी इंग्लिश बोलना और पढ़ना पसंद है तो आपको कुछ चीज़ों में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग का लेटर सी हो और इस लेटर के बाद वाला लेटर आई, ई या वाई रहे, तो इस केस में सी को स पढ़ेंगे, जैसे सेंटर, साइकिल या सर्कल। पर वहीं आई, ई या वाई को छोड़कर कोई भी लेटर सी के बाद आए तो यहाँ सी को क पढ़ेंगे, जैसे कैट, काउ या क्रिकेट। ऐसे ही जब भी किसी वर्ड में जी के बाद आई, ई या वाई आए तो यहाँ जी को ज पढ़ेंगे, जैसे एज, मैजिक या जिम। पर आई, ई या वाई को छोड़कर कोई भी लेटर जी के बाद आए तो यहाँ जी को ग पढ़ेंगे, जैसे गोवा, ग्रेप्स या ग्रीन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अभी सब्सक्राइब करिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।